दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विटिलिगो, यानी कि सफेद दाग। कई लोग इसको कुष्ठ रोग भी बोलते हैं, कई लोग इसको फुलबेरी भी बोलते हैं, कई लोग इसको सफेद दाग की परिभाषा देते हैं। दोस्तों, एलोपैथी में इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोला गया है, जिसके कारण से प्रॉब्लम होती है। मतलब जिस बीमारी के बारे में एलोपैथिक खोज नहीं कर पाता है, जानकारी नहीं कर पाता है, ठीक नहीं कर पाता है, उसको परिभाषित किया जाता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यानी कि आपकी बॉडी खुद आपके विरुद्ध काम कर रही है। दोस्तों, अगर ऐसा होता तो भी वो बीमारी आयुर्वेद में ठीक होती क्या? वो बीमारी क्या होम्योपैथी में ठीक होती क्या? वो बीमारी इलेक्ट्रो होम्योपैथी में ठीक होती क्या? और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता तो वो आदमी ज़्यादा दिन जिंदा रह पाता क्या? क्योंकि अगर आपकी बॉडी का ही इम्यून आपके विरुद्ध काम कर रहा है, फिर तो आपको एक आध साल के अंदर मर जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, एलोपैथी की ये परिभाषा है, एक नहीं सैकड़ों बीमारियां जिसको वो ठीक नहीं कर पाता है, उसको वो बोलता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की बीमारी। दोस्तों, मैं बात करूंगा होम्योपैथी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी और आयुर्वेद। मैं काम करता हूं इलेक्ट्रो होम्योपैथी और आयुर्वेद पे। दोस्तों, मैंने देखा है कि ये बीमारी मोस्टली जेनेटिक होती है, या फिर गलत व्यवहार अपने जीवन में, गलत खान पान, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन के कारण बने रहते हैं, या लंबे समय तक टेंशन लेते हैं, उन लोगों को ऐसी बीमारी देखी गई है, या पारिवारिक किसी को है तो देखा गया है, या फिर विरोध भोजन, या रात रात को बहुत ज़्यादा जगना, या फिर गलत दवाइयों का कुछ सेवन करना। आप कुछ चीज़ के लिए स्टेरॉइड ले रहे हैं, किसी मल्टीविटामिन का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, फिश ऑयल का यूज़ कर रहे हैं, आप विरोध भोजन जैसे कि दूध के साथ मूली का यूज़ कर रहे हैं, दूध के साथ नॉनवेज का यूज़ कर रहे हैं, दूध के साथ आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो आपके अंदर जाके पाचन करने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है, और उसके साथ आप कोई विरोध भोजन लेते हैं, जैसे कि कड़वे के साथ मीठा खाना, मीठे के साथ कड़वा खाना, हमारे हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाना, क्योंकि जब मीठा को पचाया जाता है तो हमारे हार्मोन्स कुछ अलग छोड़े जाते हैं, और कड़वे को पचाना होता है तो हमारे हार्मोन्स अलग छोड़े जाते हैं। जब हम इन दोनों को जब खा लेते हैं एक साथ, तो हमारी बॉडी कंफ्यूज हो जाती है और हमको अंदर बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके कारण से विचित्र प्रकार की बीमारियां होती हैं, जिसमें से सफेद दाग की प्रॉब्लम भी हो सकती है। दोस्तों, सफेद दाग होना या स्किन की अलग अलग तरह की बीमारियां होना, ये सब विरुद्ध भोजन के कारण होता है। मेरे पास ऐसे बहुत से पेशेंट आते हैं जो कई डॉक्टरों से सोराइसिस का इलाज करवाते हैं, लिकोडर्मा का इलाज करवाते हैं, और सफ़ेद दाग कई प्रकार के होते हैं, उनका इलाज करवाते हैं, और उनको बोला जाता है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, और मेरे पास आके बिल्कुल वो ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, वो कर रहे होते हैं विरोध भोजन का सेवन। कई लोग अदरक की चाय रेगुलर पी रहे हैं, कॉफ़ी रेगुलर पी रहे हैं, चाय बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, नॉनवेज डेली खा रहे हैं, नॉनवेज और दूध का सेवन डेली कर रहे हैं, और साथ में स्टेरॉइड की दवाइयाँ भी ले रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं देखा हूँ कि सफ़ेद दाग हुए। जिनके परिवार में सफ़ेद दाग नहीं होते हैं, ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि बहुत से लोग दवाइयों का कुछ ऐसी दवाइयाँ यूज़ की जिसके कारण से भी सफ़ेद दाग हुआ। मैंने बहुत से लोगों के वीडियो देखे, उसमें उन्होंने बताया कि कॉपर का पानी पीने से इसमें बहुत फ़ायदा होता है। दोस्तों, कॉपर रक्त को साफ जरूर करता है, लेकिन सफेद दाग की बीमारी में ऐसा कोई तत्व जो स्किन को साफ करता है, उसको हम नहीं ले सकते। मैं प्रैक्टिकल बातें करूंगा दोस्तों, किताबी बातें बिल्कुल नहीं करता हूं, ना किताबी बातों को मैं मानता हूं। दोस्तों, सल्फर, सल्फर लेने से अधिकतर सभी स्किन प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। आयुर्वेद में, होम्योपैथी में सल्फर को स्किन प्रॉब्लम के लिए रामबाण बताया गया है, और ठीक भी होता है। लेकिन दोस्तों, ऐसी कोई बीमारी जिसमें हमारी स्किन का कलर चला गया है, या ऐसी कोई बीमारी जो गर्मी के कारण पैदा हुई है, वहां पर सल्फर नुकसान करता है। सफेद दाग की बीमारी में आयुर्वेद में बहुत अच्छा उपयोग बताया गया है कि आप बावची के साथ उपयोग करें या दूसरे जड़ी बूटियों के साथ उपयोग करें, बहुत अच्छा लाभ करता है। वहीं दोस्तों, कॉपर का भी आयुर्वेद में बहुत जगह बताया गया है कि आपका चर्म रोग में, या स्किन की प्रॉब्लम में, या ब्लड को साफ करने के लिए कॉपर बहुत अच्छा लाभकारी होता है। और मैंने बहुत से वीडियो भी देखे तो लोग बताते हैं सफेद दाग में कॉपर बहुत अच्छा फायदा करता है। लेकिन दोस्तों, कॉपर से ज़्यादा नुकसानदायक और सल्फर से ज़्यादा नुकसानदायक सफ़ेद दाग में कुछ भी चीज़ नहीं होती है। बहुत से डॉक्टरों को मैंने ये भी सुना है कि डाइट इसमें बिल्कुल भी मायने नहीं रखती है। डाइट इसमें मायने नहीं रखेगी। आप एक तरफ बोल रहे हो कि कॉन्स्टिपेशन पे ध्यान रखिए, अगर कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना है तो डाइट कैसे मायने नहीं रखेगी? सही डाइट के बिना आप कॉन्स्टिपेशन को ठीक नहीं कर सकते। और जो फ्रूट हमारी स्किन में ग्लो बढ़ाने वाले होते हैं, वो फ्रूट इसमें नुकसान करेंगे कि नहीं करेंगे? तो हीमोग्लोबिन की अगर आपको अंदर कमी है, तो आपके आयरन के फ्रूट आपको खाने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, और आयरन हमारी बॉडी में जो ब्लैक पिगमेंटेशन होता है वो अच्छा बनाता है।
तो आयरन के लिए फ्रूट खाना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन वो ऐसा भी बोलते हैं कि आपकी बॉडी में B12 की कमी है तो आप नॉनवेज खाइए। दोस्तों नॉनवेज के साथ B12 के साथ आपको क्या क्या मिल रहा है वो आपको नहीं पता है। नॉनवेज में कितनी ज़्यादा गर्मी होती है, कॉन्स्टिपेशन कितने ज़्यादा करता है, वो आपकी बॉडी में जाकर कितना ज़्यादा नुकसान करेगा। आयुर्वेद की दवाइयाँ या कोई और भी दवाइयाँ नॉनवेज के साथ रिएक्शन करती हैं वो आप नहीं बता पा रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि नॉनवेज इसमें खाने से कोई नुकसान नहीं करता है। दोस्तों कोई भी स्किन की प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार की फंगल इन्फेक्शन हो या फिर सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम हो, नॉनवेज आपको बिल्कुल नहीं खाना है। इतना समझदार हर व्यक्ति होता है कि नॉनवेज खाने से हमारी बॉडी में एकदम से एनर्जी बूस्ट होती है, गर्मी एकदम से बढ़ती है, पेट में कब्जियत की परेशानी होने लगती है और बीमारियां बढ़ने लगती हैं, तो नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। B12 हमारे सब्जियों में भी पाया जाता है, भले वो कम मात्रा में पाया जाता है लेकिन सब्जियों में भी पाया जाता है और हमारे शरीर की ज़रूरत के लिए वो अच्छा काम कर लेता है, अच्छा यूज़ हो जाता है। दूध और नॉनवेज का सेवन स्टार्टिंग में मना करते हैं हर वैद्य लोग। अगर आपका ट्रीटमेंट शुरू हुआ है तो दूध के साथ मूली का सेवन, नॉनवेज का सेवन खाना नुकसानदायक नहीं, मतलब दवाइयों का पावर कम कर देता है या दवाइयों को काम अच्छी तरह से नहीं करने देता है। तो हम अपने पेशेंट को 6 से 8 महीने के लिए दूध के लिए मना कर देते हैं, दूध की चीज़ों के लिए मना कर देता है, लेकिन बॉडी में न्यूट्रिशन को देखते हुए हम 8 महीने के बाद दूध की चीज़ें धीरे धीरे खाना स्टार्ट करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि उससे प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन जब तक दवा अच्छी तरह से काम नहीं करने लगती है हम उसको बोलते हैं कि अभी दूध की चीज़ें बंद रखिए। 6 मंथ के बाद हम ये देखते हैं कि बॉडी में वीकनेस ना हो जाए, न्यूट्रिशन की कमी ना हो जाए, तो हम दूध की चीज़ें खाना स्टार्ट करवा देते हैं। दोस्तों सफ़ेद दाग में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करने वाली चीज़ें होती हैं वो होती है नॉनवेज, चाय, कॉफ़ी। ये चीज़ बहुत ज़्यादा नुकसान करती है और इसमें बहुत से लोग मल्टी विटामिन का यूज़ करते हैं, मल्टी विटामिन भी इसमें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। आपको नेचुरली विटामिन लेना चाहिए, जिससे आप सलाद ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, हरी सब्जियाँ ले सकते हैं। दोस्तों इसमें नींद पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम है, लीकोडर्मा की प्रॉब्लम है और आपको स्किन की कई प्रकार की फुलबेरी की प्रॉब्लम है, तो आपको नींद पर अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपकी बॉडी में एसिड बढ़ेगा, क्योंकि एसिड बढ़ने से इस प्रॉब्लम को रोका नहीं जा सकता। बहुत से एलोपैथिक डॉक्टर से मैं ये तक सुना हूँ कि इस बीमारी को जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते। दोस्तों इस बीमारी को जड़ से पूरा ख़त्म कर सकते हैं, बशर्ते बस आपकी बीमारी ठीक हो रही हो। जो दवा आपको सूट हो जाएगी वो बीमारी आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएगी, बस आपको कुछ सालों तक परहेज करने होंगे, क्योंकि परहेज कर लेंगे तो आपकी बॉडी डिस्टर्ब नहीं होगी और आपकी बॉडी सही रूप में चलेगी, तो आपकी प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। इसमें आपको सोने जगने का नियम बहुत जरूरी है, नींद की कमी नहीं होना चाहिए, खाने का सही टाइम होना चाहिए, सोने जगने का सही टाइम होना चाहिए। बहुत ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं खाना है, मसाले हमारी बॉडी में एसिड बढ़ाते हैं और एसिड बढ़ने से बीमारी बढ़ती है। बहुत ज़्यादा खट्टे फूड जैसे कि आम का सेवन, अचार का सेवन, दही का सेवन, ज़्यादा टमाटर का सेवन, इमली का सेवन, सॉस का सेवन, इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ये बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है। दोस्तों स्टेरॉइड वाली दवाइयाँ इसमें बिल्कुल ना लें, स्टेरॉइड वाली दवाइयाँ हमारे लीवर पे एकदम से बूस्ट करवाती हैं, और ऐसी कोई दवा या ऐसा कोई खान पान जो हमारी बॉडी में एकदम से चेंजेस लाए, ऐसी कोई भी दवा आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। इससे प्रॉब्लम बढ़ने लगती है और आपकी प्रॉब्लम ठीक ना होके और तेज़ी से बढ़ने लगती, जो कि पहले उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रही थी। तो सफ़ेद दाग को अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो आपको अपने खान पान पर पूरा ध्यान रखना ज़रूरी है। आप सादा सिंपल खाना खाएं, हरी सब्जियां सारा खाएं, दाल चावल भी खाएं, फ्रूट्स भी खाएं और सलाद भी खाएं, नींद पे विशेष ध्यान रखें, बस मसाले वाली चीज़ें और नॉनवेज को और विरुद्ध भोजन को, अगर आप फिश ऑयल खा रहे हैं, फिश की चीज़ें खा रहे हैं, नॉनवेज की एग खा रहे हैं, क्योंकि एग हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन के साथ साथ बहुत ज़्यादा गर्मी को बढ़ाने वाला होता है, हार्मोन्स को बढ़ाने वाला होता है, हीट पैदा करने वाला होता है, कॉन्स्टिपेशन को बढ़ाने वाला होता है, हाई प्रोटीन को पैदा करने वाला होता है। और जैसे ही हमारी बॉडी में हाई प्रोटीन जाता है तो कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो स्किन की प्रॉब्लम हो, कैंसर की प्रॉब्लम हो, कोई गांठ की प्रॉब्लम हो, वो तेजी से बढ़ने लगती है, ना कि ठीक होना। तो दोस्तों आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। खाना क्या क्या है दोस्तों, आप आयरन की चीजें ज्यादा खाएं, गेहूं की चीज़ें ज़्यादा खाएं, राइस खा सकते हैं, दालों में उड़द की दाल ना खाएं, क्योंकि ये कॉन्स्टिपेशन भी पैदा करती है और हमारे हार्मोन्स को बूस्ट करने का काम भी करती है, हेल्थ के लिए अच्छी होती है, लेकिन किसी डिसीज में ज़्यादा बूस्ट करने वाली चीज़ें नहीं खाना चाहिए। सिंपल खाना जो आपके लीवर में धीरे धीरे पाचन करता है, आपके बॉडी में एकदम से न्यूट्रिशन को नहीं बढ़ाता, धीरे धीरे न्यूट्रिशन देता है, ऐसी दवाइयों का आपको सेवन करना चाहिए। दोस्तों सफ़ेद दाग को अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो अपनी दिनचर्या पर ध्यान रखें, सुबह सही टाइम से उठें और सही टाइम से सोएं, कभी भी खाली
पेट ना रहें, बहुत ज़्यादा गर्म पानी का सेवन ना करें, बहुत ज़्यादा धूप में ना घूमें। बहुत से डॉक्टरों को मैंने सुना है कि वो धूप में घूमने के लिए बोलते हैं। दोस्तों, सफ़ेद दाग के ऊपर ज़्यादा पसीना आएगा, सफ़ेद दाग के ऊपर बार बार आप पहुँचेंगे, स्क्रेच करेंगे, वो ज़्यादा बढ़ता जाएगा। क्योंकि कोई भी स्किन फेयर होने वाली बीमारी हो, आप ज़्यादा धूप में घूमोगे उसका फेयरनेस और बढ़ेगी, उसका स्किन आपकी उतरती जाएगी। तो आपको धूप में नहीं जाना है, धूप से बचना है। हाँ, 10-15 मिनट की जो नरम नरम जो सुबह की धूप होती है उसको आप जरूर ले सकते हैं, लेकिन जो पसीना वाली निकलने वाली धूप होती है उससे आपको बचना चाहिए। दोस्तों, सफ़ेद दाग में कोई भी रसायन का प्रयोग, आयुर्वेद में बहुत से वैद्य रसायन का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हीरा भस्म का प्रयोग करना, पारा गंधक का प्रयोग करना, रस कपूर का प्रयोग करना और रस माणिक का उपयोग करना, ये सारी दवाइयाँ स्किन प्रॉब्लम में काम करती हैं लेकिन सफ़ेद दाग में कभी भी काम नहीं करती हैं। इसलिए आप इन दवाइयों का कभी भी सफ़ेद दाग में उपयोग ना करें। सल्फर का भी कभी प्रयोग ना करें दोस्तों, ये भी नुकसान करता है। और उन चीजों का भी सेवन ना करें जिनमें सल्फर ज्यादा पाया जाता है, जैसे कि लहसुन और प्याज, ये सफेद दाग को बढ़ाने वाली प्रॉब्लम करती है, बाकी दूसरी स्किन प्रॉब्लम में ठीक करता है। जैसे फंगल इन्फेक्शन में सल्फर खाने से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन स्किन सोराइसिस में और वर्टिलिगो में और ये सफेद दाग की प्रॉब्लम में, ल्यूकोडर्मा में ये प्रॉब्लम करता है। तो दोस्तों, इस चीज़ को आप ध्यान दें, ज़्यादा सल्फर का यूज़ ना करें, और जो जो मैंने आपको बताया है उन चीज़ों का अगर ध्यान देंगे तो आप अपने सफ़ेद दाग को ठीक कर पाएंगे। एक दोस्तों बात ज़रूरी है, इस प्रॉब्लम इस चीज़ को आप बढ़ाएं ना, क्योंकि ये जितना पुराना होता है उतना मुश्किल में ठीक होता है। आप इसको अगर जितना जल्दी इलाज शुरू कर देंगे, और मेरी सलाह आपके लिए है कि आप एलोपैथी की जगह अगर इसमें आयुर्वेद में जाते हैं या होम्योपैथी में जाते हैं और जो डॉक्टर इसके ऊपर काम करता हो उस पर इलाज लेते हैं, तो ये बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। बस कुछ दिन परहेज करने होंगे, कुछ दिन का इंतजार करना होगा।